तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, क्या आज आप लोगों को रिडीम कोड मिलेगा? अगर आपको लगता है कि हाँ रिडीम कोड मिलेगा तो आप बिल्कुल ही आपको सही लग रहा है, क्योंकि आपको पूरा भरोसा कर लेना है आज आपको रिडीम कोड मिलने ही वाला है। क्योंकि आज का जो एप्लीकेशन लेकर आया हूँ वो एप्लीकेशन ना अभी तक का बेस्ट एप्लीकेशन माना जा रहा है अभी यूट्यूब पे, और एप्लीकेशन इतना कमाल का एप्लीकेशन है कि उस एप्लीकेशन का जिक्र मैं पहले आज तक कभी नहीं किया था, और आज मेरे चैनल पर पहली बार उस एप्लीकेशन का जिक्र किया जा रहा है। एक बार और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर नए एप्लीकेशन का ही जिक्र किया जाता है, इसी के लिए मैं हमेशा नए नए एप्लीकेशन ही लाता रहता हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे व्यूअर्स से जाकर के कमेंट में बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सच में इस चैनल पर नए नए एप्लीकेशन लाए जाते हैं, वो उनके रिप्लाई में आपको मिलेंगे हाँ बिल्कुल ही एप्लीकेशन नए नए लाए जाते हैं। अगर आपको इतना भी यकीन है तो मेरे पिछले के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे एप्लीकेशन नए हैं या फिर पुराने हैं, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं एक ही एप्लीकेशन का रिपीट कर करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। जिस एप्लीकेशन का मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ उस एप्लीकेशन में अगर मुझे अच्छा लगा, अगर मुझसे लगता है कि नहीं इस पर और एक वीडियो बनाना चाहिए तब मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो उसका मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि उससे मेरे व्यूअर्स को परेशानी होती है और मैं अपने व्यूअर्स को परेशान देखना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो को शुरू और बताते हैं आज का एप्लीकेशन को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में कुछ कुछ प्रोसेस है जिसको आप अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी जाकर आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर अर्निंग नहीं कर पाएगा, अर्निंग नहीं कीजिएगा तो फिर आपको रिडीम कोड नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं कौन से एप्लीकेशन है, तो आपको चलिए एप्लीकेशन पर डायरेक्ट लेकर के चला जाता हूँ, दिखाई देता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब में से कोई भी मेरे चैनल पर नया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी इस लाल वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सामने जो घंटा दीजिए घंटा को बजा दीजिए। इतना कर देने से क्या होगा ना, जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखने का आपको मौका मिलेगा, और वीडियो को सबसे पहले देखिएगा तो आप वहाँ पर कमेंट गर्व से कमेंट कीजिएगा आई एम फर्स्ट, तो कितना अच्छा लगेगा, आपको सुकून भी लगेगा। तो इसी तरह से करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह से बताया कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जुड़ जाना एंड्रॉइड गेम चैनल से। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मैं 2000 एप्लीकेशन के बारे में जिक्र करने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन के बारे में आप शायद पहले जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं मैं आगे उस एप्लीकेशन का बात करूंगा जिस एप्लीकेशन का मैं शुरू में जिक्र किया था। अब बात करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन है जिसका मैं जिक्र अभी करने वाला हूं। एक तो यहां पर एप्लीकेशन देखने मिलता होगा जॉय वॉलेट, और साथ ही साथ एक देखने मिलता है क्विज वाला एप्लीकेशन। ये दोनों एप्लीकेशन अभी मार्केट में ना ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे होता है ना कोई भी वीडियो या फिर कोई भी पोस्ट जब ट्रेंडिंग चलता है या वायरल होता है, कोई सॉन्ग जब वायरल होता है तो ट्रेंडिंग में आ जाता है, पूरा मतलब छा जाता है मार्केट में, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। उसी प्रकार से ये दोनों जो एप्लीकेशन है ना, ये दोनों एप्लीकेशन मार्केट में अभी तक छाए हुए हैं। छाने का कारण क्या है, ये पेमेंट 48 घंटा बोलते हैं, 48 घंटा के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, और ये उसी प्रकार से 48 घंटा के अंदर आपको पेमेंट दे देते हैं। यही कारण है कि ये एप्लीकेशन पूरा मार्केट में ट्रेंडिंग में छाया हुआ है। अब बात करते हैं कि सब दोनों एप्लीकेशन में क्या खासियत है, दोनों एप्लीकेशन में डायरेक्ट आपको रिडीम कोड मिलने का ऑप्शन मिलता है, और साथ साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरे सामने है एक यूनिक रिवॉर्ड एप्लीकेशन जिसका मैं पेमेंट प्रूफ, वीडियो लिंक, ये सभी चीज़ें मैं आपको दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के इस एप्लीकेशन का चेकआउट कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके उससे काम भी कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है, एक बार इन तीनों एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। तो चलिए आज का एप्लीकेशन जो है उस एप्लीकेशन पर आपको लेकर के चला जाता हूँ। तो आपको एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन को तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मेरे सामने एक नया नया एप्लीकेशन अभी अभी रिलीज हुआ है जिस एप्लीकेशन में आपको मिल रहा है रिडीम कोड, और एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी काम का एप्लीकेशन है। आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन का लिंक यानी कि इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन तो समझते होंगे जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर मैं इसका लिंक मैं पिन करके रखा हुआ रहूँगा, और वहाँ से जाइएगा, इस पर आप काम कीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस पर लिंक को जो दूंगा उस लिंक पर टैप करना, उसे अपने किसी भी एक ब्राउजर से ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं अपना एक ब्राउजर से ओपन कर लेता हूँ, और ओपन कर लेने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते होंगे, जैसे मैं उसे ओपन करूँगा तो जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। आपको लग रहा हो यह वेबसाइट के बारे में तो पहले मैं जानता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वेबसाइट अभी नया नया एप्लीकेशन आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज पहले वाला वेबसाइट में आपको नहीं देखने मिलता था, लेकिन ये वेबसाइट जैसे ही लॉन्च हुआ है सबको रिडीम कोड देने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ इस पर तो वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जब आपको रिडीम कोड दिलवाना काम ही है मेरा, तो क्यों मैं आपको रिडीम कोड दिलाने से हिचकिचाऊँ। तो आपके लिए मैं इस वेबसाइट को लेकर आ गया हूँ, इस वेबसाइट पे काम कैसे करना है आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। अब यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वेबसाइट पे अगर लगातार 3 से 4 बार अगर इसी काम को प्रोसेस को पूरा कर देते एक ही मेल आईडी से,
तो आपको मतलब चांस खत्म हो जाता है कि आपको रिडीम कोड मिलेगा। अब यहाँ पर दो दिन का टाइम लेता है, दो दिन के अंदर मैं आपको 29 रुपये का रिडीम कोड देगा, ज़्यादा का नहीं आप देख सकते होंगे। बोला जा रहा है यहाँ पर 29 रुपीज़ का फ्री गूगल पे रिडीम कोड देगा। तो आपको 29 रुपये का रिडीम कोड लेने के लिए क्या क्या करना है वो आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे मैं आपको बताया कि आप इसमें लगातार का एक ही मान के चलिए मेरे सामने भी ये ईमेल आईडी शो कर रहा है, इसी ईमेल आईडी से आप लगातार 3 से 4 बार इसमें आंसर नहीं देना है। अब बात करते हैं 3 से 4 बार आंसर नहीं देना है। अगर आपको दूसरा अकाउंट को सेव करना है तो दूसरा अकाउंट को भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, स्विच अकाउंट को ऑप्शन पर टैप करना है। स्विच अकाउंट पर करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा ईमेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर वहाँ से अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सामने इस तरह इसका फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है, देखो मेरा नाम है पिंटू कुमार, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर पिंटू कुमार। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आपको फोन नंबर डालने के लिए, तो सिंपली मैं भी यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल देता हूँ, लेकिन मैं अपना फोन नंबर भी नहीं डालूंगा, कोई सा भी पुराना फोन नंबर दे दूंगा ताकि बाद में यहाँ पर से मैं सबमिट करने समय इसमें फोन नंबर चेंज कर लूँगा। लेकिन आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना है जिस पर आपको मैसेज आता है, जैसे रिचार्ज हो ना वैसा नंबर देना है। ऐसा नहीं कि एक महीने से रिचार्ज, दो महीने से रिचार्ज नहीं करवाऊँ एक साल से और उस नंबर को है जिसमें आपको रिचार्ज आपको हो, मतलब जिसमें मैसेज आ जाए। यहाँ पर मैं आपको कोई सा एक नंबर लिख देता हूँ, तो जैसे मैं अपना एक नंबर लिख दिया हूँ। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि जीमेल आईडी आपको क्या करना है, जीमेल आईडी देना है। जैसे मान के चलिए मैं जीमेल आईडी पे टैप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना जीमेल आईडी डाल देता हूँ। इस तरह करके मेरा जीमेल आईडी आ गया। अब यहाँ पर बात होता है मेन, सबसे मेन काम आपको, सबसे मेन काम क्या करना है, ऐड स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऐड स्क्रीनशॉट का ऑप्शन पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको स्क्रीनशॉट लेना कहाँ से है, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना उस वीडियो को जाने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आया हुआ होगा। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को देखते हुए अभी जो वीडियो को देख रहे हो उस वीडियो को बात कर रहा है, उस वीडियो को देखते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब पहले नहीं करना, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर से जैसे से बता रहा हूँ वैसे से प्रोसेस को पूरा कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना था, उसके बाद आपको क्या करना था, सब्सक्राइब करना था। और यहाँ पर सब्सक्राइब में कर देख तो ये व्हाइट कलर का हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का पॉपअप खोल करके आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में आपको ऊपर में ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑल का ऑप्शन पर जैसे आया हुए हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इतना कर देने के बाद में आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं सिंपली से पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर जैसे स्क्रीनशॉट लिए हैं तो स्क्रीनशॉट में आपको क्या प्रूफ जाएगा ये आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने का क्या फ़ायदा है, आपको फायदा ये है कि आप सबसे पहले एंड्रॉइड गेम चैनल के तरफ से थ्रू में आए हुए हैं और एंड्रॉइड गेम चैनल को सपोर्ट किए हुए हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए क्या है, लाइक किए, सब्सक्राइब किए, बेल नोटिफिकेशन ऑन किए, तो मैं हमको ये सपोर्ट कर दे, सपोर्ट कर देने के बदले में मैं उस वेबसाइट से होता है ना लेना परमिशन कि मैं इतना आपको ला करके दूंगा, मुझे सपोर्ट करेंगे तो आप उसे रिडीम कोड दीजिएगा। इस तरह से हम लोग का पहले एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीमेंट हम लोग का हो चुका। अब आपको जो वेबसाइट पर जाना था उस वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन जो था ऐड फाइल का ऑप्शन पर जाना है। और जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से माई डिवाइस का ऑप्शन सेलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस का ऑप्शन है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप कीजिएगा ना, तो इस पर टैप करने के बाद आपका सामने आपका जितना भी इमेज रहेगा वो इमेज आपका सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर से जैसे मैं थोड़ा सा इसे बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर से मैं रिसेंट ऑप्शन पर चला जाता हूँ, आपका सामने जो इमेज रहेगा इमेज कुछ इस तरह का रहेगा। तो इमेज मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अपलोड करने के लिए इमेज को आपको क्या करना, अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज भी अपलोड हो रहा है, यहाँ पर ऊपर में भी हो गया और यहाँ पर भी होगा। तो इस तरह से देख सकते हो मेरे इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इतने ही काम को आपको करना था। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जैसे भी अभी भी वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, जैसे आपको बता रहा हूँ सबमिट करने के बाद क्या करना है। अभी भी देख लीजिए मेरा एक ईमेल आईडी से भी काम को किया हुआ है, लेकिन अभी आपको अभी दो ईमेल आईडी, दो जितना आपको फोन में ईमेल आईडी रहेगा ना सब ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं। और सब ईमेल आईडी से लॉगिन कर करके यूट्यूब पे वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, तभी जाकर के आपको इसका रिडीम कोड मिलेगा। तो आपको सब जिस ईमेल आईडी से काम कर रहे हैं उसी ईमेल आईडी से यूट्यूब पे भी आपको सब्सक्राइब करना है। समझ रहे हैं ना कि इस ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन किए हुए, तो इसी ईमेल आईडी से यूट्यूब पे भी आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना वीडियो को, उसके बाद ही आपको जाकर के मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले आना है, नीचे और चले आने बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही टैप कीजिएगा तो आपका सामने एक इसका मतलब स्लिप आ जाएगा कि आपका यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब आप जितना भी काम को किया उसको रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पर से दो दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको फिर से काम करना है, तो फिर से करने के लिए आपको जो लिंक दिया उस लिंक पर टैप कीजिएगा, वहाँ पर से स्विच अकाउंट पर जाइएगा। तो स्विच अकाउंट पर जाने के बाद आपको फिर से वहाँ पर से इस तरह आएगा यहाँ पर से, और यहाँ पर से काम को कीजिएगा, तो इस तरह कर लीजिएगा। और बात एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे डेली के डेली नया एप्लीकेशन लाया जाता है, नए एप्लीकेशन के साथ सब रिडीम कोड का ही एप्लीकेशन लाया जाता है। देख सकते हो मेरे चैनल पे कितने सारे रिडीम कोड का एप्लीकेशन है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा ताकि आपको बहुत सारे वीडियोज़ का लाभ उठाने का मौका मिल सके। और बात करते हैं ना कि नया नया वीडियो और एप्लीकेशन के, तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए नए एप्लीकेशन और वीडियोज़ लाए जाते हैं, चैनल बने रहिए।